गायत्री विद्या मंदिर का वार्षिकोत्सव रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों के बीच संपन्न हो गया है। बागेश्वर के विधायक पार्वती चंदन दास ने वार्षिकोत्सव का शुभारंभ करते हुए बच्चों द्वारा प्रस्तुत किए गए कार्यक्रमों की सराहना की। उन्होंने कहा कि शिक्षक तथा अभिभावक मिलकर बच्चों का चारित्रिक तथा बौद्धिक विकास करें। विद्यालय की प्रधानाचार्य दुर्गा असवाल ने विद्यालय की वार्षिक आख्या प्रस्तुत करते हुए बताया कि विद्यालय ने अभिभावकों तथा आम जनता का विश्वास हासिल करते हुए प्रगति की है। विद्यालय बच्चों को संस्कारवान शिक्षा के साथ साथ आधुनिक शिक्षा भी मुहैया करा रहा है। वार्षिकोत्सव के दौरान बच्चों ने रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। इस मौके पर गंगोलीहाट की पूर्व विधायक मीना गंगोला, अभिभावक समिति के अध्यक्ष जीएस बाफिला, प्रकाश लाल शाह, गोपाल सिंह बोरा आदि मौजूद थे। सबसे पहले आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, नमस्कार। बहुत उत्साह बच्चों में है। आज हम गायत्री विद्या मंदिर के बच्चे अपना जो वार्षिकोत्सव मना रहे हैं, बहुत उत्साहित हैं और बहुत ही रंगारंग कार्यक्रम वो अपना पेश कर रहे हैं। और अपने बच्चों के उत्साहवर्धन हेतु और हमारे जो आज के चीफ गेस्ट आई हैं, हमारे माननीय विधायक जी पार्वती दास जी, मैं उनका हार्दिक धन्यवाद करती हूँ तहे दिल से, क्योंकि उनके पास बिल्कुल समय नहीं था। वो केवल 2 दिन के समय के लिए बागेश्वर आई और उन्होंने हमें समय दिया और आज समय भी बहुत अनुकूल रहा। और इसके साथ मैं आप सबका, अपने विद्यालय परिवार का, शिक्षकों का, आप मीडिया प्रभारी लोगों का और समस्त अभिभावकों का हार्दिक धन्यवाद करती हूँ, तहे दिल से स्वागत करती हूँ। और गायत्री विद्या मंदिर इसी तरह उत्तरोत्तर प्रगति करता रहे। पिछले अभी तक लगभग 20 वर्ष हमारे विद्यालय को हो चुके हैं और इन 20 वर्षों में बहुत अच्छी प्रगति की। और आप भी जानते हैं, विद्यालय एक अच्छे प्रतिष्ठित विद्यालय में से एक है, एक अच्छा नाम है, अच्छी पहचान है, क्योंकि हम लोग बच्चों के लिए एक संस्कारवान शिक्षा की एक नींव रखते हैं। और आपको पता है, हमारे विद्यालय के बच्चे प्रतिवर्ष अपने जो हाई स्कूल है, इंटरमीडिएट है, उसमें अच्छा अपना स्थान ग्रहण कर रहे हैं, अच्छे पदों पर प्रतिष्ठित हो रहे हैं। धीरे धीरे गायत्री विद्या मंदिर ने जो बीज बोया था, जो एक कल्पना की थी कि जब हमने विद्यालय खोला था, इस एरिया में कोई विद्यालय नहीं था, तो हमने सोचा था उस समय यहाँ एक विद्यालय खोले, तो उस ग्रामीण क्षेत्र आते आते आज विकास बहुत हो चुका है। उसी क्रम में हम भी आगे बढ़ रहे हैं, हमारे भी पढ़े हुए यहाँ के विद्यालय के बच्चे भी MBBS क्वालिफाई कर रहे हैं और अपना इंजीनियरिंग क्वालिफाई कर रहे हैं और मेरिट में तो हमेशा वो अपना स्थान ला रहे हैं। तो मैं थैंक यू कहना चाहूँगी सभी अभिभावकों का, आपके माध्यम से देख रहे सभी चैनल्स के माध्यम से देख रहे सभी अभिभावकों का, पूरे पब्लिक का, बागेश्वर की जनता का, सबको नमस्कार करती हूँ और वेलकम करती हूँ। न्यू सेशन आ रहा है, तो आइए विद्यालय में अपने बच्चों को एक संस्कारवान सुंदर शिक्षा प्राप्त करवाने में अपनी महती भूमिका निभाइए। चैनल को धन्यवाद देना चाहती हूँ क्योंकि आज इस गायत्री विद्यालय के इस वार्षिकोत्सव में यहाँ पर उपस्थित सभी लोगों का, जितने भी ये विद्यालय के शिक्षक हैं, सभी लोगों को मैं बधाई देना चाहती हूँ, क्योंकि जो इस स्कूल के पाठ्यक्रम की गुणवत्ता है, उसके साथ आज यहाँ पर दिख रहा है कि बच्चे अनेकों अनेक कार्यक्रम कर रहे हैं, तो ये शिक्षा का ही महत्व है, क्योंकि जो बच्चे इतने आगे इस पढ़ाई के माध्यम से आज इतनी अच्छी गुणवत्ता इस पढ़ाई की है, तो मैं चाहती हूँ कि सभी विद्यालय ऐसी उन्नति करें, अपने सभी बच्चे अपने माता पिता का नाम रोशन करें, अपने शिक्षकों का, जिनके माध्यम से वो स्कूल में पठन पाठन में लगे हैं बच्चे, और इतना समय हमारे गुरुजन भी उनके लिए देते हैं। मैं सभी
प्रधानाचार्य और सभी शिक्षकों को मैं बधाई देना चाहती हूँ उनके इस कार्यक्रम की भी। बहुत ही अच्छी जो सांस्कृतिक कार्यक्रम यहाँ पर हो रहे हैं, बहुत ही सराहनीय है। और उन बच्चों के लिए जो इतना समय शिक्षक लगाते हैं, तो हम चाहते हैं कि ऐसे ही आगे को भी ये विद्यालय खूब उन्नति करें, और मैं उन सभी को बधाई देती हूँ और शुभकामनाएं। छात्रा हूँ। आज हमारे विद्यालय गायत्री विद्या मंदिर में एनुअल फंक्शन मनाया जा रहा है, जिसके चीफ गेस्ट हमारे बागेश्वर के एमएलए श्रीमती पार्वती दास हैं, और हम बहुत इंजॉयमेंट कर रहे हैं। इसी के साथ साथ हमें कई लोगों से मिलने का अवसर प्राप्त हुआ है। हमने श्री कृष्ण भगवान, रुक्मिणी और सत्यभामा की नृत्य नाटिका प्रस्तुत की है। इसी के साथ साथ कई बच्चों ने गढ़वाली, कुमाऊनी तथा देशभक्ति में भी अपने कार्यक्रम प्रस्तुत किए हैं। कितने दिन से आप इसकी तैयारी करते हैं? 4 मंथ से हम इस कार्यक्रम की तैयारी कर रहे हैं। देखिए न्यूज़ के लिए ब्यूरो रिपोर्ट, बागेश्वर।